बोट में जा सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके जी, कुछ जाऊँ? मैं ऊपर आ सकता हूँ? आ जाऊँ? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज, वेलकम टू चाबहार, द साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ ईरान। चलते हैं बाहर, फिर चाबहार में एक्सप्लोर करते हैं। सो यार, हम लोग निकल चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 38 डिग्री दिखा रहा है। ईरान की 90% पॉपुलेशन ईरान के वेस्टर्न पार्ट में रहती है, और जो बलूचिस्तान पड़ता है ये ईरान के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, क्योंकि ईरान के ईस्टर्न पार्ट में सिर्फ 10% पॉपुलेशन रहती है। तो ये पार्ट काफ़ी कम डेवलप्ड है कम्पेयर टू द वेस्टर्न पार्ट, और ईरान इस चीज़ को चेंज करना चाहता है, चाबहार को डेवलप करके, चाबहार के पोर्ट को डेवलप करके, चाबहार को कंट्री के बाकी पार्ट से कनेक्ट करके विथ रोड, विथ रेलवे। तो ईरान ने चाबहार को फ्री ट्रेड जोन बना दिया है, और चाबहार ईरान के ईस्टर्न पार्ट का फोकल ऑफ डेवलपमेंट है, कुछ आप ऐसा बोल सकते हो। दिस इज अ फ्री जोन, फ्री ट्रेड जोन, वी कैन गो फॉरवर्ड एंड inside the free zone. Free zone is the no taxes for people working here, or no taxes for products. Any import, export, yes and for working, no taxes at all. No taxes, because they say free zone, free trade zone. Yes, this is a line for gasoline. Yes. So yeah. Long queue. Oh my god. Because they sell many of the people selling the gasoline, they coming and in the line. And कितनी लंबी लाइन लगी आ रही है यहाँ पे मशीन की, देख रहे हो, पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे, सो लॉन्ग क्यू। हाँ, मे बी इट विल टेक हाफ अ डे, नो वन आवर, यू स्टे हियर वन आवर टू आवर, बट व्हाई सो इन अदर पार्ट ऑफ इरान आई हैव नॉट सीन दिस मच लॉन्ग लाइन, बिकॉज़ दे सेलिंग दिस फ्यूल, दे सेलिंग द गैसोलीन फ्रॉम द कार, यस, हैव अ फ्रॉम द कार Oating the gasoline and selling. Oh my god, from car to the gas station, reverse. Oh my god, ये लाइन कार में पेट्रोल भरवाने की नहीं थी, बल्कि अदर पार्ट ऑफ ईरान से यहाँ पे कार में पेट्रोल भरवा के लाते हैं और उल्टा गैस स्टेशन पे देते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे है। हुसैन भाई बता रहे हैं मॉर्निंग में जो मैंने इशू फेस किया था यहाँ पे, जो बस से पेट्रोल निकाल रहे थे, बता रहे हैं निकालने के बाद उसको इलीगल तरीके से दे सेंड इट टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यस, तो यहाँ पे ये देखो सामने हिल है, और हिल पे बड़ा सा लिखा हुआ है चाबहार फ्री जोन, और साथ में ईरान का फ्लैग भी है, चाबहार फ्री जोन। तो आपको जो ये दूर से पोर्ट दिख रहा है, ये चाबहार पोर्ट है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान के कोस्ट पे लोकेटेड है। ये ईरान का इकलौता ऐसा पोर्ट है जो कि इंडियन ओशन पे लोकेटेड है। ये पूरा चाबहार पोर्ट आप देख सकते हो, क्योंकि इसके पास जाना अलाउड है नहीं, तो दूर से ही मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अफगानिस्तान और बाकी लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए ये सबसे पास का इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, जिसको वो कंट्री एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए चाबहार पोर्ट को उनके लिए गोल्डन गेट बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही ये इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं वाटर बॉडी के थ्रू। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इंडिया ईरान को हेल्प कर रही है चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में, बट बहुत सारे सैंक्शन लग रहे हैं हट रहे हैं। इस वजह से ना चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट का काम बहुत ही स्लो पेस पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की गर्मी है। 2017 में इंडिया ने सबसे पहली बार चाबहार पोर्ट को यूज़ किया था, और इंडिया ने इसको यूज़ किया था अफगानिस्तान को वीट भेजने के लिए, वीट शिपमेंट के लिए। ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में जैसे कि ये चाबहार पोर्ट है, वैसे ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पोर्ट है, जिसको चाइना हेल्प कर रहा है डेवलप करने में। और चाबहार से ग्वादर पोर्ट का डिस्टेंस बहुत ही कम है, सिर्फ 180 किलोमीटर, और शायद यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर उससे भी कम है, 70-80 किलोमीटर पे यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर होगा। व्हाट डू यू कॉल दिस प्लेस, दिस लोकेशन? लिपार, वी से लिपार। लिपार, यस। तो यार यहाँ पर एक लग्जरी होटल है जिसका नाम है लिपार, उसके नाम पर इस जगह का नाम पड़ा हुआ है लिपार। और यहाँ पे देख सकते हैं कॉफी शॉप है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसे बनाया हुआ है, लोग इसको क्रॉस करके उस साइड जा रहे हैं। और ये पूरा वाटर बॉडी गल्फ ऑफ ओमान है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है, और इस गल्फ ऑफ ओमान के उस साइड ओमान आता है, यानी कि अगर आप इस वाटर बॉडी क्रॉस कर देंगे तो ओमान आ जाएगा। चाबहार से दुबई और कराची काफ़ी पास है। इंडिया और ईरान के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ है, और कुछ MOU भी साइन किए गए हैं,
कि चाबहार से जायदान तक की रेल लाइन बनाने के लिए, बट प्रोजेक्ट काफ़ी अलग अलग रीजंस की वजह से डिले हो चुके हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है तो चाबहार पूरे कंट्री से रेलवे नेटवर्क से जॉइंट हो जाएगा प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने के बाद। और जब पूरे कंट्री जॉइंट हो जाएगा तो फिर इसके साथ ही साथ सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से भी जॉइंट हो जाएगा, पर शायद ये काम या तो रुक चुका है या तो काफ़ी ज़्यादा डीले हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल चाबहार बाई रोड से ही आ सकते हैं। तो चाबहार ईरान का फ्री पोर्ट है या फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड जोन वो एरिया है जहाँ पर गुड्स या कोई भी सामान बिना कोई कस्टम इंटरवेंशन के लैंड हो सकते हैं, इम्पोर्ट हो सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकते हैं, कोई भी टैक्सेस इसके ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। तो बिना कोई कस्टम चार्ज के गुड्स चाबहार पोर्ट पे आ सकते हैं, पूरे ईरान को जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया को जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आने के बाद फिर से दोबारा अलग कंट्री को वाटर बॉडी के थ्रू शिप कर सकते हैं, और यही गुड्स या प्रोडक्ट्स जब आप लैंड पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे लेके आओगे तो वहाँ पर आप लोगों को कई टैक्सेस इंक्लूडिंग कस्टम टैक्सेस देने पड़ेंगे जो यहाँ पे नहीं लगते हैं। चाबहार की और चाबहार के लोगों की जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, फ़िशिंग इंडस्ट्री पे और कॉमर्स सेक्टर पे। यहाँ पे फ़िशिंग और कॉमर्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान ही है, इसका जो कनेक्शन है वो पूरा इंडिया से है, मिडिल ईस्ट से है, सेंट्रल एशिया से, उसके अलावा अफगानिस्तान से भी है। तो ये दोनों चीज़ मिला के चाबहार उसके पूरे आसपास के एरिया की इकोनॉमी चल रही है। तो देख सकते हैं आप कई सारी बोट्स हैं, ये सारी बोट्स फिशिंग और कॉमर्स के काम आती है, लोकल बोट है, गवर्नमेंट बोट नहीं है, प्राइवेट बोट्स हैं ये सब। जो गवर्नमेंट वाला एरिया है वहाँ पर तो नॉर्मल लोगों को जाना अलाउड नहीं है, तो मैं दूर से आपको दिखा पाया हूँ, पास से नहीं दिखा पाया हूँ, बट ये जो है ये प्राइवेट पूरा ओन्ड है, तो यहाँ मैं आप पास से आप लोगों को दिखा सकता हूँ। एंड हुसैन, व्हाट आर दिस शिप्स कॉल्ड? लेंच। लेंच आर दिस प्राइवेट एंड प्राइवेट ओन्ड? यस, दे वर फिशिंग देयर फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अपना ये आस पास के जो दुबई है, ओमान, मिडिल ईस्ट है, वहाँ से लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे है। बाकी फिशिंग का काम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। हेलो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, वेरी ब्यूटीफुल, पूरा वाटर बॉडी ब्लू कलर की है, बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। मोटर बाइक्स यहाँ पे काफ़ी हैं, और ब्लू वाटर के ऊपर अलग अलग टाइप की बोट्स हैं, शिप्स हैं, फेरीज हैं। सब बोट्स में कुछ ना कुछ अलग अलग सामान इसमें रखा हुआ है, किसी में वुड है, किसी में पॉलिथीन है, प्लास्टिक है, पता नहीं क्या क्या है। और ये मोटर व्हीकल्स के पार्ट भी यहाँ पर हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं शिप से। Yes. तब देखो ध्यान से, इतनी बोट है, सब एक दूसरे के बहुत ही पास पास इन्होंने पार किया हुआ, लगाया हुआ है, देख रहे हो इतना कम डिस्टेंस है कि आप एक बोट से दूसरी बोट पे जा सकते हो। देखो एक बोट आ भी रही है और लोग काफी फ्रेंडली यहाँ पे। हेलो, सो वी कैन जस्ट जंप एंड गो फ्रॉम एनी बोट टू एनी अदर बोट, इट्स वेरी इजी। डू व्हीकल्स एंड ट्रक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान आल्सो कम हियर? For trade, yes. They come, huh? Yes, they come. Trucks from other countries, yes, they come, yes, here. Yes, they having a passport or some... All the document. Document, they have. ये देखो यहाँ पे लोग अपने कपड़े भी सुखा रहे हैं, यहाँ पे रहते भी हैं, खाना भी बनाते हैं इस ट्रिप्स में। And most of the people are Baloch, huh? Yes. बोट में जा सकते हैं ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ओके जी, शुक्रिया, मेहरबानी। आई जम कुछ जाओ, सब उधर जो आता है सब लोग उर्दू बोल लेगा। ओके, इधर का चाबहार का आदमी, इधर बलूचिस्तान का सब उर्दू आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक तो फीन होएगा उर्दू में आता है, बाकी सबको आता है। तो थोड़ा और डीप में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे बोटिंग वगैरह कैसी है, शिप्स वगैरह कैसे हैं। तो यहाँ पर कैसे क्रॉस करना होगा? हाउ वी क्रॉस फ्रॉम देयर? हाउ वी कैन क्रॉस बाय जंपिंग टू अदर शिप? लेट्स ट्राई इट। तैयार शिप के मैं ऑलमोस्ट बीचे बीच पे आ चुका हूँ, अब थोड़ा आगे चलते हैं तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। ये देखो काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी अच्छा लोकेशन यहाँ से है, काफ़ी सारी शिप्स दिख रही हैं यहाँ से, और हर तरफ शिप्स ही शिप्स हैं। भाई वहीं पर है, मैं जम करके आ चुका हूँ, मैं ऊपर आ सकता हूँ, आ जाऊँ?
ये शिप आपका? तो ये शिप किस काम के आता? सामान ले जाने की, मछली पकड़ने की? मछली पकड़ने की। सामान भी आता जाता है इससे? सामान भी। सामान कहाँ से लाते हो? दुबई, ओमान, पाकिस्तान? दुबई, ओमान, दुबई, दुबई, ओमान, दुबई। मछली पकड़ना आता है? मछली पकड़ना मुझे नहीं आता। सोमाली, अफ्रीका, ये शिप से सामान आता जाता? ना, मच्छी, मच्छी भी अफ्रीका से? हाँ, इस शिप से अफ्रीका से आता है। ओके, ये देखो यार, ये तो लोकेशन और प्यारी है। यहाँ पे ईरान का फ्लैग, ये रोड, ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान का वाटर, प्यारी प्यारी बोट्स। वन टाइम हैपेंड एट वन ऑफ दिस लंच गोइंग टू फिशिंग टू द इंडिया ओशन, दे कैप्चर्ड द सोमाली पायरेट। Somali pirates captured the ship? Yes, captured the ship and captured the people of the ship. And a few months they are in the Somali. As a captive? As a captive, yes. How many months they kept them? I think below the 1 year. Around 1 year? Yes. They kept them as a captive? Yes. Oh my God. When they coming to Iran, they saying that their condition is very hard there. The condition is very hard, but at least they are free. 3 or 4 years ago, the machine is bombing and parking near the gate of the police commander and exploding, and two soldiers died. Oh my God, bomb in the car, huh? Yes. Some terrorist named Abdul Malik Rigi, 10 years ago, he captured it. And 10 years ago, he killed many of the people in this Sistan and Baluchistan. And terrorists were from which country? He was in Zahedan. Zahedan. He was Baluch, but this Baluch not accepted him. Not accepted him, Baluch. He going to Afghanistan and he supported by USA. And he many bombing in Zahedan, in Chabahar, in other city. Many bombing in mosque of the Shia. The goal was to separate between Shia and Sunni. Shia and Sunni separate. Yes, yeah. Separate and fight each other. यार ये जो area है बलूचिस्तान, काफी ज़्यादा sensitive area है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफी सारे बॉम्ब अटैक हो चुके हैं और जिसके थ्रू काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। कुछ टाइम से थोड़ा सेफ और शांत एरिया है, बट पहले यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक हो चुके हैं। मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ। यस मैनी पीपल लॉस। तो यहाँ पर पीछे ही एक पुलिस कमांडर का ऑफिस है। तो 2 साल पहले वहाँ पर एक कार में बॉम्ब रख के अटैक किया गया था। तो अभी हम लोग पूरा ये चाबहार हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। इधर पूरा ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसके कोस्ट पे ही पूरा ये हाईवे बना हुआ है। काफ़ी लंबा हाईवे है पूरा ये गल्फ ओमान के कोस्ट पे। This route also goes to Pakistan? Yes, this route Karachi. Karachi, yeah? Yes, direct Karachi. तो ये रोड पूरा सबसे पहले पाकिस्तान बॉर्डर गई है, वहाँ से फिर ग्वादर पोर्ट गई, वहाँ से पूरा कराची तक गई हुई है ये सेम रोड। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। दिस रामीन पोर्ट। रामीन, वो मैं आई वाज टेलिंग यू, रामीन। ओके, इट्स लाइक अ पोर्ट, इट्स अ पोर्ट, हार्बर। स्मॉल पोर्ट फॉर मोस्ट फॉर फिशिंग। Fishing, huh? For fish. And nearby there's a village also, Ramin village. Yes, from this village. तो यार अभी हम लोग रामीन विलेज पे आ चुके हैं। यहाँ रामीन विलेज भी है, रामीन पोर्ट भी है। और ये जो रामीन विलेज है ये काफ़ी छोटा विलेज है, इसकी जो पॉपुलेशन है अराउंड 5000 है। तो ये आपको जो ये सैंड का जो आपको माउंटेन दिख रहा है या जो भी आपको दिख रहा है उसके उस साइड विलेज है रामीन का। यहाँ पे भी सेम कॉमर्स का और फिशिंग का काम होता है। कई सारे यहाँ पे बोट्स है लेकिन अलग टाइप की बोट्स है। वहाँ अलग टाइप की बोट्स थी, बड़ी बड़ी थी, यहाँ छोटी छोटी बोट्स आप देख सकते हो। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे बोट है। तो ये अब हम लोग चाबहार के सिटी सेंटर में आ चुके हैं। सो मच ट्रैफिक। यस सो मच ट्रैफिक।
पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख है, फिर भी बीच बीच में तो सिटी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, बाकी जगह तो पूरा खाली ही है। देख सकते हो हर जगह मशीन ही मशीन, हर जगह कार ही कार। तो यहाँ पर यार कई सारे बलोच रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ कुछ खाने आए, देखते हैं यहाँ कुछ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि तो यहाँ का जो लोगों की डाइट है ना वो मोस्टली सी फूड बेस्ड डाइट है। यहाँ तक यहाँ पर ज़्यादातर लोग फिश खाते हैं और सी फूड ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वही यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है और सस्ते में अवेलेबल है। इंग्लिशी हिंदी उर्दू थोड़ा थोड़ा जानता है, नहीं जानता है। वाज टर्क टर्क फ्रॉम द तबरीज, और इफ यू गोइंग टू दिस या विल गो तबरीज फ्रॉम तबरीज। ओके, क्या है? मेरा नाम है तोर वशु जी। मेरा नाम मुल्ला सुलेमान। सुलेमान हिंदुस्तान शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, गोविंदा आमिर खान, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, ये ऐश्वर्या। हाँ बिल्कुल आली। बिल्कुल आली आली खूब खेली खुशकिल। आपका ना दिलर खाना मैं दिल का की शर्माना, कसम से उम्मीदवार हो कया, सनम से दिल को काया। मैं हिंदुस्तान बस दोस्त, हिंदुस्तान दोस्त। हाँ हिंदुस्तान दोस्त। हाँ दोस्त मेरे आशिक हिंदुस्तान है। ओहो क्या बात है। तो यार अभी हम लोग ने खाने के लिए ये फलाफल लिया है, और ये दूग है, यानी हम लोग यार छाछ होता है, यार दूग बोलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सोडा विदाउट सोडा दोनों आता है, तो मैं विदाउट सोडा लिया हूँ। इन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है, इसे खाते हैं। फिर लाइक डेवलप्ड एंड पॉश एरिया ऑफ चाबहार, इज अ शॉपिंग मॉल। Some of the things like TV or fridge is low price from the other city because of the taxes. No taxes or less taxes. Yes, no taxes. Low price in this trade center and shop. तो गाइज अभी हम लोग चार बहार के सबसे हाईएस्ट लोकेशन पे आए हुए हैं। ये जो जगह है सब पूरे चार बहार की सबसे टॉप लोकेशन, सबसे ऊंची जगह है। ये पोर्चुगीज कैसल है, इट वाज मेड बाय पोर्चुगीज मेनी इयर्स बिफोर। और इधर से पूरे कई सारे रोड्स हैं, हाईवे, कई सारी मशीन्स हैं। इधर पूरा चार बहार का सिटी दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हो आप। अभी हम लोग कैसल से नीचे उतर रहे हैं, और कहीं वहाँ पर हम लोग की मशीन पार्क्ड है, वहाँ पर खड़ी है मशीन। यहाँ पर फ्रेश फिश भी लोग बेच रहे हैं, काफ़ी सारी फ्रेश फिश है। वहाँ से इन लोग फिश को कैच करके लाते हैं उस पोर्ट से।